हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के विषय में जो कृषि से संबंधित है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में। इसमें हम इसके उद्देश्यों और क्या इसकी पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, और इससे संबंधित सभी फैक्ट्स को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल के साथ जुड़कर जीएस, करंट अफेयर्स, करंट इशू, हर एक विषय पर अपनी पूरी पकड़ बनाते हुए किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त। तो फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी योजना के लिए एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि योजना की शुरुआत कब की गई और कहां से की गई है। तो यदि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो 1 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। आप जानते ही हैं कि उस समय चुनाव होने वाले थे और चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किए गए थे, उसी बजट में इस घोषणा की शुरुआत की गई थी। और अगर हम औपचारिक शुभारम्भ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। यदि इस योजना के उद्देश्यों की बात की जाए तो प्रमुख उद्देश्य भारतीय किसानों की वित्तीय समस्याओं का समाधान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता पहुंचाना है। देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। किसानों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु पूरक आय उपलब्ध कराना है। और हम जानते ही हैं कि किसान बैंकों इत्यादि से तुरंत ऋण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसमें कई समस्याएं आ जाती हैं। तो वे छोटे छोटे साहूकारों के पास जाते हैं और वे साहूकार उनका काफ़ी शोषण करते हैं। तो इन साहूकारों के चंगुलों से भी सरकार किसानों को बचाना चाहती है और इसलिए इस योजना को लेकर आई है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यदि इस योजना की एलिजिबिलिटी पात्रता की बात की जाए तो इस योजना में लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को शामिल किया गया है। इस योजना को जब शुरू किया गया था तो ऐसे कृषक परिवारों को शामिल किया गया था जिनके पास मैक्सिमम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, परंतु चुनावों के बाद जब नई सरकार गठित हुई तो 31 मई 2019 को जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई तो 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सीमा को समाप्त कर दिया गया और अब इस योजना में सभी किसान शामिल हो सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी में लघु एवं सीमांत किसान परिवार जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। यदि इस योजना से जुड़े हुए मुख्य तथ्यों की बात की जाए तो यह योजना 1 दिसंबर 2018 से अर्थात बैक डेट से लागू मानी जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसे अंतरिम बजट 2019-20 में घोषित किया गया था, जबकि 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन इसे 1 दिसंबर 2018 से ही लागू माना जाएगा और पात्र कृषक परिवारों को इसी तिथि के पश्चात से देय आमदनी होगी। और पात्र लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में 4-4 महीने की 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए अगर पहचान करनी हो लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों की तो वर्ष 2015-16 में हुई कृषि जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर हम योजना के वित्त पोषण की बात करते हैं तो यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और 2018-19 के पूरक मांगों में इसके लिए 20,000 करोड़, जबकि 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
योजना के क्रियान्वयन की बात की जाए तो योजना की निगरानी हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी और यह इकाई एक CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन कार्य करेगी। यह योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार के लिए भी उत्तरदायी होगी और ऐसी ही व्यवस्था राज्य व जिला स्तर पर भी होगी और साथ ही साथ केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति की भी व्यवस्था की गई है। यदि इस योजना का विश्लेषण किया जाए तो हालांकि इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को दी जाने वाली राशि कम है, क्योंकि 6,000 रुपये की वार्षिक राशि को अगर महीने के हिसाब से देखें तो मात्र 500 रुपये प्रतिमाह है और बढ़ती महंगाई के देखते हुए यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। परंतु यदि इस सहायता राशि का किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो कृषकों को इस योजना के माध्यम से जहां एक निश्चित आय प्राप्त होगी, वहीं फसल कटाई के पूर्व किसान में छोटे मोटे निवेश हेतु पूरक आय भी उपलब्ध होंगे, जिसके लिए अब उसे साहूकारों के ऊंचे लोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अतः यह योजना किसानों के सम्मान के साथ साथ जीवन के लक्ष्य को भी अंशतः पूरा करती दिख रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारियों को और ऊंचाई तक पहुँचाइए। सब्सक्राइब चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।